सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सी पंजाब हरियाणा हिमाचल पंजाब एट नाइन। लैके मैं अर्शदीप कौर ते मैं हाँ तुहाडे नाल श्रमित चौधरी। तुहानूं पंजाब दीआं सारी खबरां दा एक फुल डोज मिलेगा इस बुलेटिन विच। सो बिल्कुल, पंजाब दी हर हलचल तुहानूं विखावांगे, पंजाब दी हर सियासत दी खबर तुहानूं विखावांगे। सो बुलेटिन दा आगाज़ करदे हां। बीजेपी दे स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों पंजाब विच प्रचार नूं लैके अकाली दल ते दित्ते तिखे बयान ते अकाली दल दा कहिणा है कि उहनां दी पार्टी धर्म दे लई हमेशा लड़ी है अते उह अधर्मी नहीं हो सकदे। उधर बीजेपी दा कहिणा है कि उह हाईकमान दे फैसले दे नाल खड़े ने अते उह अकाली दल नाल मिल के ही चुण लड़नगे। मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। लक्ष्मी शरीर प्राण सब चलायमान है, नष्ट हो जाएगा, नश्वर है, धर्म स्थिर है। नवजोत सिंह सिद्धू की इस बेबाक बयानी थी अकाली दल इतराज है। सूबे च अपनी ही भाईवाल सरकार नू अधर्मी कहन ते अकाली दल ने जवाब दिता है कि अकाली दल हमेशा धर्म लई लड़दा है ते उस ते अधर्मी होने के इल्जाम लाना दुरुस्त नहीं। सिद्धू वालों सूबे के चोन प्रचार तो तौबा करन ते इतराज बीजेपी लीडरशिप नूं भी होगा। सो दबी जुबान चाला कमान के फैसले का हवाला देंदे अकाली दल नाल मिलके ही चोणा लड़न के दावे दोहराया जा रहा है। मैं समझता कि वह कांग्रेस से हो निशाना उन्होंने, अज तक का मुल्क ही दुनिया में कांग्रेस को अधर्मी मनिया जाता, धर्म की सन्मान करना, उत्थे असी पंथक सोच का भी प्रचार करना, ये केवल अकाली दल पार्टी कह दी है, इसलिए अकाली दल तो कोई धर्म पार्टी कह नहीं सकता। यह कोई शक नहीं जी, जिथे अधर्म हो हर व्यक्ति जागरूक रहना चाहिए कि जिथे अधर्म हो जिथे कोई ना इंसाफी हो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पर जिथों तक साड़ी गल है, असी पार्टी के सदस्य हाँ, सो जो पार्टी का हाईकमांड निर्णय करता है, जो साडा केंद्रीय हाईकमांड निर्णय करता है, असी उन्हों किसी भी किंतु परंतु दे ना करके स्वीकार करांगे। इस तो पहला मिसेज सिद्धू भी अकाली दल नाल गठजोड़ का सख्त विरोध करते आ रहे हैं। हुण नवजोत सिंह सिद्धू वालों मुड़ बोले इस हल्ले नाल सियासत पकड़नी जाहिर ही सी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सिद्धू जोड़े दे हमेशा ही अकाली दल खिलाफ तलखी भरे बयान जो ने सामने आते रहते हैं, अजे वो जो सिलसिला है लगातार जारी है। बिल्कुल, ते इस सियासी वरे विच ए जिहड़े बयान आ रहे ने काफी इंपोर्टेंट गिने जा रहे ने। देखो किस तरीके नाल रिएक्शन आ रहे ने, सिद्धू साहब ने जो बयान दिता उस तो बाद किन्ने रिएक्शन आए ने। खैर हुण गल करदे आ दलितां दे मुद्दे दी, ते इस मुद्दे नूं लै के संसद विच यानी कि पार्लीमेंट विच चर्चा हुई है, उह खबर तुहानूं दस्सदे आ। पार्लीमेंट विच दलितां दे मुद्दे ते बहस दौरान जलंधर तों कांग्रेस दे मैंबर पार्लीमेंट यानी कि MP चौधरी संतोख सिंह ने पंजाब सरकार दे नाल केंद्र सरकार नूं कटहरे विच खड़ा कीता, ते उधर अकाली दल अते BJP ने कांग्रेस नूं नसीहत दित्ती कि पिछले 60 सालां दौरान कांग्रेस ने दलितां नूं सिर्फ वोट बैंक लई वरत्या है। मुक्तसर च दलित महिलां नाल रेप अते भीमटा कतलकांड नूं आधार बना के जलंधर तो कांग्रेस MP चौधरी संतोख सिंह ने पार्लीमेंट विच पंजाब सरकार नूं घेरिया। चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि पंजाब विच दलित भाईचारे नूं निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ इन्ना ही नहीं, चौधरी संतोख सिंह ने दलितां लई बनाईआं गईआं स्कीमां नूं लैके भी केंद्र सरकार ते सवाल खड़े कीते। मैडम स्पीकर, मैंने अपनी संसदीय क्षेत्र से एक ऐसा गांव चुना, 50% से ज्यादा SC होते, उसको ये 20 लाख रुपया उसको देते, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे को जवाब तो आया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये पंजाब की बात है, एक दलित लड़के को उसकी टांगे काटी गई, उसके हाथ काटे गए भीम टांग। तो मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों को, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये NTSC है। उधर चौधरी संतोख सिंह के सवालों का जवाब बीजेपी अते अकाली दल ने उसी अंदाज से दिता। अकाली दल ने कहा इक्का दुक्का घटनावां नूं लैके कांग्रेस सरकार दा अक्स खराब करना चाहुंदी है, तां बीजेपी ने कहा कांग्रेस दे 60 सालां दे गलत नीतियां कारण दलित भी हुण भी अपने हक दी लड़ाई लड़ रहे। इशू बना के 10 लोगां दे जज्बातां नूं भड़का के सरकार नूं बदनाम करन दी जिहड़ी कांग्रेस दी नीति आ, उह हुण बहुत ही देर नहीं चलेगी। उन्होंने राज किया दलितों के उत्थान के लिए, की किया उन्होंने, अज जो कुछ हो रहा अज भाजपा की NDA सरकार जी दिन रात एक कर रही है दलितों के उत्थान के लिए, कांग्रेस के लोग ही करते रहे ने लंबे शासन के भी। पंजाब च दलित वड्डा वोट बैंक है, इसलिए सारिया ही पार्टियां अपने आप नूं दलित हितैषी साबित करन विच लगियां हुई ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब दे विच दलित वोट बैंक तकरीबन 32% है, हर पार्टी कोशिश कर रही है कि दलितों का मसीहा कदों साबित करन दी, जो बयानबाजियां ने वही साबित कर रही हैं। बिल्कुल, ते चुनाव चोणां दा साल है, अगले साल ही स्टार्टिंग विच इलेक्शन होण जा रहे हैं,
ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ MLA ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ MLA ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SYL ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 2004 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SYL ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਰੋਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉੱਨੀ ਸੌ 90 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DIG SPS ਬਸਰਾ, ਸਾਬਕਾ ADGP ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ASI ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
रोपड़ की अदालत में हुण मुड़ तो इस केस की सुनवाई होगी। जिस तरह हाई कोर्ट के केस को जल्द तो जल्द निपटारा करने के हुक्म दिए ने उस तो पीड़ित पक्ष को इंसाफ की उम्मीद जरूर बजेगी। नेहा शर्मा के नाल न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया चंडीगढ़। 1990 का यह पूरा मामला तो हाईकोर्ट के हुक्मों तो बाद परिवार को इंसाफ की जो उम्मीद है एक बार फिर तो चकी गए। बिल्कुल, तो हुण असीं अगे वधदे आं ते गल करांगे जर्मनी के एसन शहर में जो गुरुद्वारे से अटैक होया सी उस नूं लैके एक वड्डा खुलासा होया है, वह तुहानूं दस्सदे आं की है पूरी खबर। जर्मनी के शहर एसन के गुरुद्वारे में होए धमाके के मामले में पुलिस ने हाई स्कूल के दो विद्यार्थियों को काबू किया है। तो पुलिस के मुताबिक दोवें आईएसआईएस के हिमायती ने, पर इस हमले की वजह का खुलासा नहीं हो सकिया है। गुरुद्वारे च धमाके का आईएसआईएस कनैक्शन, 16 वरिया का नाबालिग सी मास्टरमाइंड, गुरुद्वारे का दरवाजा तोड़न की कीती सी कोशिश। जर्मनी के एसएन शहर के गुरुद्वारा साहिब चूहे धमाके के मामले में पुलिस ने एक वड्डा खुलासा किया। खुलासा होया कि इस वारदात नू दो विद्यार्थियों ने अंजाम दिता है। फड़े गए दोवें मुलजम हाई स्कूल के विद्यार्थी ने जिन्हों की उम्र 16 साल है। बर्लिन अथॉरिटी के मुताबिक दोवें मुलजम विद्यार्थी आईएसआईएस के हिमायती ने अते उन्हां कोलों आईएसआईएस नाल संबंधित कुछ दस्तावेज भी बरामद होए ने। खुलासा होया कि बंब धमाका करन दे अपने गुनाह नूं उन्हां ने कबूल भी कर लिया, पर नाल ही यह भी खुलासा किया है कि यह धमाका उन्हां किसी धार्मिक रंजिश के तहत नहीं बल्कि आतिशबाजी करन लई कीता सी। इस तों पहला दोवें मुलजमान ने गुरुद्वारे का एंट्री गेट तोड़न की कोशिश भी की सी। 16 अप्रैल नूं जिस वेले गुरुद्वारे विच धमाका होया उस वेले उत्थे एक व्याह समागम चल रहा सी अते 200 तों वध लोक उत्थे मौजूद सन। धमाके विच 60 साल दे एक बजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गए सन अते 2 लोकां नूं मामूली सट्टां वजियां सन। इस मामले च बेशक पुलिस ने मुलजमां नूं काबू कर लिया अते पुलिस मुताबक मुलजमां ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, पर यह हमला गैर इरादतन सी। इस बारे पुलिस जांच कर रही है अते जांच तों बाद ही सच सामने आ सकेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। इस गुरुद्वारे ते जो अटैक होया सी ओ स्टूडेंट्स ने कीता सी ते आईएसआईएस नाल जुड़े होण दी ये गल सामने आ रही है, बेहद चिंताजनक एक गल है। बिल्कुल, गुरुद्वारा साहिब विच होए धमाके दा आईएसआईएस कनैक्शन मामला सचमुच बेहद गंभीर है ते जांच जरूरी है। जांच होवे ते जो सही तथ्य ने उह सामने आ सके। अगे वधदे अगली खबर दा रुख करदे आं। भारत पाकिस्तान सरहद ते हुण दुश्मनां दा खात्मा करेगा लेजर बीम सिक्योरिटी सिस्टम, जिसकी शुरुआत कई थावां ते हो भी चुकी है। पंजाब दा ही एक सरहदी इलाका जे है जिथे दे लोग हर पल खौफ विच कि कदी भी सरहद पार तो दहशतगर्दा की घुसपैठ हो सकती है। अजिहा किथे अते क्यों हो रहा है, रिपोर्ट देखो। सरहद दा ए ओ इलाका है जिस दे एक पासे हिंदुस्तान ते दूजे पासे पाकिस्तान है अते पाकिस्तान दे वल्लों होण वाली घुसपैठ दे चलदियां इस इलाके विच सुरक्षा दे करड़े प्रबंधां दे दावे भी कीते जांदे ने। थां थां ते बीएसएफ की तैनाती नूं वेख के ए अहसास भी हुंदा है कि वाकई सरहद सुरक्षित है, पर हुण जरा इन्हां दो तस्वीरां ते नजर पाओ। फिरोजपुर च भारत पाकिस्तान सरहद दे नाल लगदियां अजिहियां 8 थावां ने जित्थों सतलुज दरिया भारत तों पाकिस्तान जांदा है अते फिर वापस आउंदा है। अजिहे च इत्थे कीती जाण वाली फेंसिंग हर वार पानी दा पद्धर वधण नाल टुट जांदी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि कुछ पैठिए बड़े ही सौखे तरीके नाल ए रस्ता पार कर सकते ने। उथे दूजी तस्वीर इस गल दा सबूत है कि इन्हां इलाकियां विच पाकिस्तानी नैटवर्क दी रेंज पहुंचदी है, जिसका फायदा भी देश दे दुश्मनां नूं मिल सकता है। सुरक्षा च वरती जा रही है लापरवाही देश दे लई तां खतरा है ही, पर इन्हां इलाकियां च रहण वाले लोग हर पल इस खतरे दे साए विच जीण नूं मजबूर ने। अजिहे च उन्हां दी सिर्फ यही मंग है कि बॉर्डर ते कीती जाण वाली फेंसिंग नूं मजबूत बनाया जावे अते जिस तरह नाल 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम नाल सुरक्षा नूं पुख्ता कीता जा रहा है, अजिहा ही सिस्टम फिरोजपुर विच भी लाया जावे। ए जनाब जी, जो सतलुज दरिया पानी आउंदा है ये तार टुट जांदी है, हर साल हड़ दे नाल तार टुट जांदी है। इहदे नाल उह टैंपरेरी तार होण लई बैठे ने। पाकिस्तान तुहानूं पता हरकत कोई करदा ही रहिंदा है, इस करके कि इहनूं सरकार नूं चाहीदा कि इत्थे वध तों वध सिक्योरिटी करन ते नाल मतलब कि इहदा कोई करन हल करन, तार लाउण, चंगी तार लाउण। असीं हुण इह मंग करने आ कि जिस तरह दूजिया स्टेटा दे विच लेजर सिस्टम जां कैमरा सिस्टम जिहड़े लगा रहे ने, असीं मंग करने कि साडे वी जिहड़ा कि इत्थों इहो जिहा प्रबंध कोई ना कोई जिहड़ा खास प्रबंध कीता जाए तां जो कि अगां तों कोई इत्थों घटना ना वापर सके।
पंजाब दो वार वड्डे दहशतगर्दी हमलों का शिकार बन चुका है अते दोवें ही हमले सरहदी जिले गुरदासपुर अते पठानकोट च किए गए। इन्होंने हमलों की जांच विच ये भी साबित हो चुका है कि सरहद तो ही घुसपैठ करके दहशतगर्द भारत विच दाखल हुए सन। अजिहे विच स्थानक लोगों के विच डर का माहौल होना वाजब है। हुण सुरक्षा एजेंसियां ते सरकार कदों इन्हां इलाकों विच सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते ने इसे का इंतजार कर रहे ने फिरोजपुर के लोग। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर। सताई जुलाई में दीनानगर च दहशतगर्दी हमला होया सी, दो जनवरी में पठानकोट एयरबेस से दहशतगर्दी हमला। पिछले कुछ महीनों के विच पंजाब दो वड्डे दहशतगर्दी हमलों का संताप हंडा चुका है। सो मैनू लगता है सुरक्षा को लेकर किसी तरीके की कोताही नहीं वरतनी चाहिए, जो लोग कह रहे हैं उन्होंने मांग बिल्कुल जायज है। सुरक्षा को लेकर वड्डे स्टैप भी चुके जा रहे हैं, जिस तरह के ना लेजर बीम वाली दीवार की गल हो रही है, पर जो लूपहोल्स ने वो भी असं दिखा रहे हैं। तो असं उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, तो इस पास भी जरूर गौर किया जाएगा। हुण असीं अगे वधदे आ ते गल करदे आ दिल्ली यूनीवर्सिटी की उस किताब की, जिस नूं लैके कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रही है। लगातार इत्थे प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस किताब नूं लैके। दिल्ली यूनीवर्सिटी की किताब विच शहीद भगत सिंह नूं अतवादी दसे जाण ते मामला भखदा जा रहा है, तो इस मुद्दे ते रोस जताया जा रहा है। लगातार दिल्ली ते लुधियाणा विच रोस मुजाहरे किए गए ने। दिल्ली यूनीवर्सिटी के गेट के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं वीर खालसा जथेबंदी के मैंबर। इन्हों का गुस्सा भखया दिल्ली यूनीवर्सिटी की किताब च शहीद आजम को अतवादी दसे जाने तो। जथेबंदी के मैंबर ने मामले लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहीद आजम भगत सिंह को यहाँ पे उग्रवादी का दर्जा दिया जा रहा है, तो जो देश के लिए खातिर शहीद हो रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुए, वो भी जो हमारे सैनिक थे वो भी उग्रवादी होंगे, क्योंकि देश के लिए लड़ा जाता है तो उसको शहीद का खिताब दिया जाता है, उग्रवादी का नहीं दिया जाता। लुधियाणा में शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट वालों हत्थां में चूड़ियां फड़ के विरोध प्रदर्शन किया गया। मुजाहराकारियों ने कहा कि शहीदों के बारे अजिही शब्दावली का इस्तेमाल किया जाना मंदभागा है। सरदार भगत सिंह को जो टेरिस बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स में, उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री जितने हुए उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनके लिए हमने ये चूड़ियाँ आज भेजी हैं। मेमोरेंडम जेड़ा दिया है वो प्रधानमंत्री जी को दिया है कि उनको जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। शहीद आजम बारे लिखे इन शब्दों के पूरे देश इतराज जाहिर किया जा रहा है। शहीद देश का सरमाया होंगे ने, पर जे शहीदों बारे ही अजिही सोच अख्तियार की जाएगी तो इस तो मंदभागी गल होर की हो सकती है। दिल्ली तो पंकज कपाही दे नाल नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाणा। सो इस पूरे मामले से सियासत की गरमाई और विरोध प्रदर्शन जो दौर है वह जारी है। दिल्ली की तस्वीर तुम्हें विखाई, एक होर तस्वीर तुम्हें विखाने रोस की। दिल्ली यूनीवर्सिटी की किताब में शहीद भगत सिंह को अतवादी लिखे होने का जो विवाद है लगातार भगता जा रहा है। शहीद आजम के पिंड खटकड़ कला के बशिंदे भी ये सब तो खासे मायूस ने कि मुल्क की आजादी लिए हंसते हंसते अपनी जान मारन वाले शहीद आजम भगत सिंह बारे आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से जानकारी दी जा रही है। खटकड़ कला शहीद भगत सिंह का पिंड, इस महान योद्धे की बहादुरी को सलाम करने उसके जीवन बारे जानने लिए लोग दूरों दूरों इत्थे पहुंचते ने, पर देश दे लई जान कुरबान करन वाले इस सूरवीर नूं दिल्ली यूनीवर्सिटी की एक किताब विच अतवादी कहा गया है, जिसका राजनीतिक ते समाजिक तौर ते विरोध शुरू हो गया है अते विरोधी आवाज भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटखड़ कलां तो भी उठी है। लोगों ने मंग की है कि ना सिर्फ उस किताब नूं वापस लिया जाए बल्कि अजिहा लिखण वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए है। ऐसी बुक्स को तुरंत वापस ले लेना चाहिए और उनके अगेंस्ट जिन्होंने लिखा है सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर श्रीमती ईरानी जी तो और पंजाब के मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने मांग करता कि उन्होंने बंद FIR दर्ज होनी चाहिए और किताब के नौ हटाया जाना चाहिए, शहीद का दर्जा दिता जाना चाहिए। भगत सिंह की शहादत को सलाम करने दूर दराटे तो खटकड़ कलां पहुंचे लोगों ने कहा कि भगत सिंह देश के लिए प्रेरणा का स्रोत ने, सो उन्होंने वर्गी शख्सियत को अतवादी लिखना बेहद मंदभागा है। मैं एक किताब छापी आ जिहदे विच शहीद भगत सिंह नूं अतवाद दा खिताब दित्ता गया, यह बहुत मंदभागी गल आ। भगत सिंह नूं शहीदे आजम कहा जांदा है, देश दे वख-वख हिस्सों विच
उन्हां दा जन्म ते शहीदी दिहाड़ा मनाया जांदा है, जिथे आम लोकां तों लै के सियासतदान भी उन्हां नूं शरदा दे फुल भेट करदे ने। पर बावजूद इस दे दिल्ली यूनिवर्सिटी दी इक किताब विच उन्हां नूं अतवादी दस्या गया है, जो एक शहीद दा अपमान है। बिमल कुमार, जी मीडिया, खटखट कलां। ते हुण गल पुलिस वालियां दी, पुलिस वालियां ते सवाल उठे ने, कित्थे सवाल उठे ने इह तुहानूं दसदे आं। लुधियाणे की खबर है, खाकी वर्दी एक बार फिर तो मुड़ तो दागदार हुई है। लुधियाणा विच एक नौजवान की खुदकुशी का मामला सामने आया है, तो इल्जामां च ने वर्दी वाले मौत तो पहला नौजवान ने बकायदा पुलसिया तशद्दुद की कहानी फेसबुक पर बयान की है। फेसबुक पर पिया स्टेटस बयान कर रहा उस पुलसिया तशद्दुद नूं जिसका शिकार होया लुधियाणा का रहने वाला इंदरजीत सिंह। इंदरजीत सिंह ने खुदकुशी करने तो पहला फेसबुक स्टेटस अपडेट किया सी ते अपनी मौत ली तीन पुलिस अफसरों नूं जिम्मेवार ठहराया। इल्जामां मुताबक थाना दुगरी के तीन पुलिस अफसर इंदरजीत सिंह नूं किसी मामले च फसाउण की धमकी दे रहे सन, जिस तो परेशान होकर उसने एक कदम चुकया। स्टेटस देखा उसने लिखा हुआ था भी दुगरी थाना स्वरण सिंह बूटा सिंह SHO दविंदर चौधरी जो गोरू बच्चा के केस पर काम कर रहे थे उन सब ने मुझे आज बहुत डराया धमकाया और जिसके चलते मैं आज मरने जा रहा हूं। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, ये मेरा स्टेटस ही मेरा सबूत बनेगा और मुझे इंसाफ दिलाना, अलविदा सर। दरअसल मृतक मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाउंदा सी, एक मामले के मुलजमान वालों उसकी दुकान तो रिचार्ज करवाए गए सन। इल्जाम ने कि उस मामले की जांच कर रहे पुलिस मुलाजमान ने इसे का फायदा चुकते हुए मृतक इंदरजीत सिंह तो पैसे भी ठगे और नशे के केस फसाउण की धमकी भी दी, जिसनों सह नहीं सकिया ते मौत नूं गड़े ला लिया। मतलब ये जो मतलब है ये सारी इन्हीं की मिली भुगत है, उसको मतलब एक रिचार्ज करने की उसको ये सजा मिली है, फिर उसको अपनी जान दे के उसकी कीमत चुकानी पड़ी। मतलब क्या डिमांड करते हो? क्या डिमांड है? इंसाफ चाहिए, जो उन्होंने लूटा वो पैसे हमको जस्टिस इनके जिनके नाम है उनके ऊपर कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे। इस विचाले लुधियाना पुलिस कमिश्नर वालों मामले की जांच IPS रैंक के अफसर नूं सौंप दी गई है अते तीन दिनों विच जांच पूरी करने के हुक्म भी दिए ने। तो इसकी कार्रवाई है, इसकी सुसाइड की वो तो रेलवे पुलिस कर रही है, इसकी मैं इंक्वायरी करा के तीन दिन में उनको छुट्टी दी है। मृतक ने सुसाइड करने तो पहला फेसबुक पे अपनी आखिरी पोस्ट पाई, जिसनों इस मामले का सब तो वड्डा सबूत मनिया जा रहा है, पर पुलिस जांच दौरान ये जानने की कोशिश करेगी कि ये पोस्ट वाकई मृतक ने पाई सी। फिलहाल मामले की जांच करने की जिम्मेवारी खाकी ते अते सवालों के घेरे विच भी खाकी ही है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। सो नौजवान ने खुदकुशी की है, इल्जामां दे घेरे विच आए पुलिस वाले जिन्हां ते लोकां दी सुरक्षा दा सीमा हुंदा है।